जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम हाजिर हैं नईम भाई के साथ, और नईम भाई का चैनल है और आपने उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जैसे कि मैंने आपको रास्ते में बताया। और मैंने कहा हम थोड़ा सा शेयर करेंगे कि हमने एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली वी फील, कि हमें कैसा लगा बाइक। मैंने इनकी बाइक चलाई है, इन्होंने मेरी बाइक चलाई है और मुझे तो बहुत मजा आया टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि आपको पता है आपने देखा होगा। और इनकी बाइक चलाई, इनसे भी पूछते हैं सर जी नईम भाई, और इनका इनका चैनल का जो नाम है पार्क मोटो व्लॉग के नाम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा जी जरा सलाम कर दो। जी जी व्यूअर्स, तो आज उस्मान भाई से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा रहा राइड की। ईएटएस प्रो बहुत मजा आया, बहुत कंफर्टेबल है, और यकीन करें कि वाकई जो उस्मान भाई जो उसका है ना कि माउंटेन क्लाइंबर, जी जी तो कहीं मुझे कोई नहीं। और मैं आपको पता है कि मोड टू में ही रखी मैंने उसको, और चलाता आया हूँ, वेरी कंफर्टेबल, जबरदस्त रहा। अच्छा पॉइंट्स गिरे कहीं, पॉइंट्स फील हुए कहीं? पॉइंट एक जगह बैटरी का एक गिरा, लेकिन मैंने फिर उसको रीजन करके तो फिर पूरा कर लिया। वहाँ रास्ते में आती है ना? जी जी जी। वो रुक रुक तो मैंने ये देखा कि राइडिंग हैबिट काफी काउंट करती है कि आप अच्छा जी से। तो राइडिंग काउंट करती है। मैं दरअसल ये देख कर, मैंने रस्ते में भी जिक्र किया कि यू हैव 70 केजी आपका वेट है, राइट? 72 जी। अच्छा 90, माशाल्लाह 97 सॉरी 97 मैंने दरअसल। अच्छा ये आपने पहले डिस्क्लोज नहीं किया ना? नहीं नहीं, मैंने अक्सर वीडियो व्लॉग। अच्छा तो मेरे ख्याल है सामान वगैरह के साथ तो फिर अराउंड अबाउट 100 कर ले। दरअसल मेरा था तकरीबन 106, फिर मैंने उसके बाद लूज किया था काफी ज्यादा, तो 97 पे 95 में चला। ओके ओके ओके, इन दिनों 95 ही है। ठीक ठीक ठीक। तो सामान वगैरह के साथ कर ले 98-99 तक तकरीबन चला जाता है, 99.9। और मुझे मजे की बात बताऊं, आपके जो बाइक में है मुझे जरा भी नहीं, बल्कि मुझे आपके बाइक की ज्यादा वो पिक लगी। अच्छा, क्योंकि उस्मान भाई लाइटर है शायद जी, उतना बॉडी बट उसने हैंडल कर लिया है बॉडी वेट आराम से। अच्छा, मेरा 90 है, मैं वही बता रहा था कि 90 और 70 में डिफरेंस है काफी, 20 केजी और 20-30 केजी तकरीबन। जी जी। तो फिर भी उसने सर जी, बल्कि उसकी पिक ज्यादा अच्छी है आप बोली। अच्छा अच्छा, उसकी सर जी वो मोटर कितनी है? 2000 वॉट है, 40 AH की बैटरी है उसकी, लिथियम आयरन फॉस्फेट की। अच्छा, और आपके आई गेस के उसमें 38 एम्पीयर की बैटरी और 2000 वॉट की मोटर है उसके अंदर मेरी। ओके जी। और आपने मेरे ख्याल है भगा के नहीं देखी, आप इसको देखना। जी मैंने भगाई थी नीचे। अच्छा 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 अच्छा, भगाई थी मैंने थोड़ी सी नीचे। ओके, मोड पे काफी ज्यादा तेज है। थोड़ा सा डिफरेंस एक है, मैंने जैसे फील किया कि स्कूटर की राइड का जी जी एक थोड़ा आप यूं बैठते हैं। जी जी। तो आप क्योंकि बाइक आप दूसरी चलाते रहे तो आपको मेरे ख्याल है मुश्किल तो नहीं? मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं। मैं वही बता रहा था उसमें भी व्लॉग में कि मैंने चलाए काफी GS 150, 125 ये सारे मैंने चलाए हैं। जी जी। Z125 चलाया था यामा का। जी जी। और अच्छा स्कूटर में मुझे एक अपने वाले में जो लगता है वो ये है कि आपकी कमर थक जाती है थोड़ा सा बैठने का, क्योंकि एक तो हाइट जैसे आपकी माशाल्लाह तो आपको ज्यादा वो होता होगा थोड़ा, लेकिन आपके बाइक में मुझे नहीं फील हुआ। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं फील हुआ। अच्छा, मैं वही देख रहा था, मैंने कहा इधर तक आने तक ना मेरी कमर कहती है अच्छा कोई मसला नहीं हुआ, छुट्टी हो गई है तुम्हारी, लेकिन आपकी बाइक पे मुझे कोई। ओके, इनफैक्ट उस्मान भाई ऐसी बाइक्स होंडा ई ग्रॉम की एग्जैक्टली उसके पूरा सारे यही साइज होता है, टायर्स का भी पूरी चेसिस भी यही है वो। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे गोरे बड़े शौक से चलाते हैं वो, 6.5-6 फुट के भी मैंने देखे। तो कुछ ऐसा इसको इन्होंने बनाया कि वो अब आपसे भी जैसे कंफर्म हो गया। जी हाँ जी। तो वो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आया? नहीं, मुझे तो मजा आया बहुत ज्यादा। अच्छा, मॉडल आपके बाइक में जो पहले पे मैंने मोस्टली फिर पहले पे कर दिया था। अच्छा, पहले दूसरे तीसरे पे वो फिर जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे थे वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सेम ही है जी, तो मैंने फिर पहले पे करके चलाया। अच्छा, इसके 4 bars हैं राइट, इसकी 4.7 जो इसका चौथा बार है ना। जी जी। वो समझे की मीटर में इसके थोड़ा एरर है। अच्छा अच्छा। चौथा बार तो इसका वैसे ही खत्म हो रहा था, यानी मैं वोल्टेज पे रिलाय करता हूँ वो इतना एक्यूरेट। 3 bars शो हो रहे थे। हाँ, 3 bars शो होंगे जी, वो एक नहीं शो होगा वो। मैंने कहा अच्छा सही है, सही जा रहा है, ठीक जा रहा है। हाँ, तो अच्छा आपके मैं वो एक तो आपकी वो एक वीडियो थी जिसमें आप जा रहे थे मरी। जी जी। और जी, था भी बारिश का दिन। जी, बारिश तो मैंने कहा बड़ा दिल चाहिए कि पहली राइड हो इलेक्ट्रिक बाइक पे और अकेले। जी, और जी, मुझे वहाँ हंसी आई, आपने कहा कि जी मैंने रस्सी भी रख ली। रस्सी भी रख ली। अब वो जो इलेक्ट्रिक व्हील रखे ना इलेक्ट्रिक बाइक, वो समझ सकता है कि क्या रस्सी रखना मकसद क्या होता है, कि कहीं खुदा ना खासा कोई हो जाए
जी यू हैव टू हैव हां तो आपका होना चाहिए कि चलें यार थोड़ी एग्जैक्टली बट सर जी मैं जितनी भी मेरी दो तीन दफा जब मैंने नई नई ली तो मेरी बंद हुई तो अल्लाह का करम है मुझे लोगों ने हेल्प आउट की अच्छा ओके जी सारों ने की बल्कि एक सुजुकी वाले भाई मिले उन्होंने कहा मैं आगे तक छोड़ देता हूं जब बुलबर ग्रीन में मैंने आपको बताया ना व्यूअर्स ने भी देखा होगा अगर आपने नहीं देखा तो वीडियोस देख सकते हैं उसमें भी बंद हो गया था मेरा तो वहां पे मुझे एक सुजुकी वाले ने हेल्प की फिर उसके बाद जो है आगे सच्ची से सच्ची सी सच्ची बात बताऊंगा सर जी 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 मजदूर थे बेचारे अच्छा एंड चढ़ाई का मोड़ था अच्छा चढ़ाई वाला मोड़ था जी जी और वहां पे चढ़ाई थी काफी ज्यादा मेरे एरिया में ही था मैं सोचा था कि यार यहां से जाऊंगा तो काफी एक्सरसाइज हो जानी है ओके बाइक बिल्कुल बंद थी जैसे कि मेरी बाइक्स में दरअसल आपको भी व्यूअर्स बताता चलूं मेरी बाइक्स में दरअसल इशू आया था जब मैंने नई नई ली थी उसमें ये इशू था मे बी आप मेरी वीडियोस में देखेंगे उसकी वायर लूज थी बाकी कोई इशू नहीं था ये टेस्ट प्रो में तो वो फिर बाद में उन्होंने ठीक कर दी मैकेनिक घर भेजा विच इज वेरी गुड मेट्रो वालों का बहुत बहुत शुक्रिया ओके 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 उस्मान भाई हमारा बातें करते करते में नाश्ता भी आ गया और आपसे बगैर पूछे मैंने ऑर्डर दे दिया बस ठीक हो गया आमतौर पे जो होता है गुड मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ जी हाँ और एग्स आ गए और यहाँ पे इन्हें पता है कि वो ऑयल बहुत कम मैं उसमें नहीं रखवाता हूँ हाँ जी हाँ आमतौर पे आपको पता है कि पराठे खाए नहीं जा सकते दरअसल व्यूअर्स हम इस उम्र की एज उस एज में हैं कि हम बस अब एहतियात बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर एज में करना चाहिए मेरे दरअसल एक दोस्त हैं अदी भाई शायद देखते हो व्लॉग्स मेरे अदी भाई बहुत पुराने दोस्त हैं वो मुझे कहते होते थे जब 30s की आप एज में चले जाओ ना यू हैव टू वॉच योर डाइट एग्जैक्टली 30s की एज में आपने तो फिर तब से बस वो मैं हमेशा उनका माइंड में रखता हूँ नहीं वो ठीक कहते हैं अपनी डाइट देखनी चाहिए तो चाय भी आ रही है जी और पराठे दरअसल मैं अपनी वालदा को कहता हूँ तो वो बनाते थे अच्छा वाह वाह नहीं मैं कह रहा हूँ कि पराठा कर लेते हैं सेंटर में जी हाँ ये दिखा दी मैं पराठे कम ऑयल वाले ताकि जी 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 ये देख लीजिए ओके हम खाते हैं और फिर बताते हैं जी हाँ जी ठीक हो कैसा होता है पराठा